था बेटे, आपकी बेटी बहुत बहादुर थी, बहुत बहादुर थी। मैं सुना, मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। हर जो किसी भी किया है इसमें, इसको साथ में, उसको सजा मिले, यही चाहता हूँ। और लड़ेंगे कि नहीं, कौन से बोले हैं कि मैं आरोपी जो भी होगा भाई, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि पवन सिंह के आने के बाद माता जी को उम्मीद का किरण जगी, उम्मीद भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, भोजपुरी जगत के सुपरस्टार। हाँ, जो गुनाहगार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ की भाई ये प्रशासन है, उसमें कोई बचेगा नहीं। मुझे बोले कि माता जी आप अपने आप को अकेले मत समझ, आपकी बेटी गई, एक बेटा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ, आप हमको अपना बेटा मानिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। प्रशासनिक सपोर्ट करेंगे कि नहीं, नेता होना चुकी कहीं ना कहीं बीजेपी। प्रशासन सपोर्ट, प्रशासन सपोर्ट तभी लगी है, मुझे बोले हैं, मुझे आश्वासन दिए हैं कि होगा आपके साथ में न्याय। कितने प्रशासन मिला है? मुझे प्रशासन तो अब मुझे मिली है, मुझे प्रशासन आज मुझे आश्वासन दिया है, प्रशासन मुझे भरोसा हो गया है। पता चला है कि आपके साथ भी आपको भी धमकी वगैरह मिल रही है? वो तो मेरे आगे पीछे तो आदमी घूम ही रहे हैं। हाँ। आपको भी खतरा है? हाँ, खतरा है, मुझे आगे पीछे मेरे आदमी घूम रहे हैं। मेरे घर तक आए थे कल, दो आदमी आए थे घर पे भी, उसके गांव से दो लड़के। अच्छा माता जी, अनुराधा सिंह से बात आपकी हो रही थी, हमने देखा। हाँ। आपने बताया था कि अनुराधा सिंह आपका और आपके बेटे का मोबाइल छीन ली थी। हाँ। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी? उसके बाद मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया, जब मैं मेरी लड़की को सो ले जाने लगे तो मैं वही उतरी, वो जब मुझे फोन करी की बात, आंटी आप अपनी लड़की का सौ मत करिए, तो उसने मेरा मोबाइल और मेरे बच्चे का मोबाइल लेके रख लिया। फिर मैं नहीं, वो जाके वो जलवाई, फिर वो सब लोग चलने लगे तो बोले घर पे चलो, तो बोलती है कि नहीं, मैं जो काम के लिए आई थी, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मेरा रिटर्न टिकट है। टीवी पर काफी रो रही थी, वैसे ही रो रही, टीवी पर रो रही है। अच्छा, मेरी लड़की को बोलती है, मेरी बहन थी, मेरी जान थी, तो उसकी बहन थी, उसकी जान थी, तो आके न्याय लड़े ना अपने बहन के लिए, जब उसको बहन मानती थी जान से बढ़ के भी, तो मेरी रनिया के लिए न्याय मांगे ना आके, क्यों नहीं मांगती है कि हाँ मेरे बहन को समर सिंह ने मार डाला, समर सिंह संजय सिंह ने मार डाला, उसको भी ये बात पता नहीं है, उसको भी बात ये पता है कि समर सिंह उसको टॉर्चर करता था, ये करता था, आज के दे क्यों नहीं गवाही दे रही है, दे। अच्छा, मोबाइल क्यों छीनी थी आपने, पूछा तो कुछ बताया? वही फोन आया था तो मुझे क्या पता, मुझे ये नहीं पता कि भाई इतने अंतघात मेरे साथ में, मेरी रनिया के साथ में करने के लिए आई है। मेरी लड़की तो सबके साथ में दिल साफ करके रहती थी, वो सबको जिसको बहन मानी तो उसको मानती ही थी दिल से, ये नहीं है कि मुंह से बोले अंदर से पीट छुड़ा मार दे। प्रशासन से आपने अनुरोध नहीं किया कि रिमांड को लेकर पूछताछ अनुराधा सिंह से? हाँ, बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं, मैं भी, हाँ बोले हैं, आश्वासन मिला, बोले हैं कि मैं बुलाऊंगा, बोले हैं कि मैं आप, मैं आरोपी पकड़ गया है, मेरी लड़की को न्याय दिलाएंगे। क्या उम्मीद की किरण जगी है कुछ? हाँ हाँ, प्रशासन चालू तेजी से हो रहा है। 48 घंटे का मोहलत दिया गया था, कुछ निष्कर्ष नहीं? तो अभी आज मुझे दिए ना। हाँ भाई, बोले मुझे भाई टाइम लगता है, भाई धीरे धीरे हम लोग एक एक बारीकी से जांच कर रहे हैं। आप ये मत कहिए कि प्रशासन भी किए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, कर रहे, मैंने भी देखा है कहीं ना कहीं से एंगल को, हम लोग करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। अच्छा माता जी, कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह आ जाएगा, और मुझे लोग कहते हैं उनके बाद क्या लगता है, आपको कुछ मदद मिल सकता है उनसे? किस पवन सिंह से मदद मिलेगा आपको? किस चीज का? किसी तरह आर्थिक स्थिति या कुछ भी? वो तो बोले है, बोले कि भाई जो भी इसमें गुनाहगार है वो भाई बहादुर बच्चा था, बहुत शेर मेरी लड़की थी, वो बोले कि कितना भी वो हो, कैसा भी हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकती है। इसके पहले अक्षरा सिंह आई, त्रिशंकर मधु आई, पवन सिंह आई, किसी ने आर्थिक सपोर्ट किया कि नहीं आपको? करेंगे ना, क्या मैं, मेरी लड़की गया मेरे दरवाजे पे आ गए, उतना ही बहुत है आर्थिक संपन्न, जिसको भाई को सपोर्ट करे। हाँ, न्याय मेरे लड़की को मिले, और जिसको भाई देगा करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं है जी। हाँ, मेरे दरवाजे पे आए, मेरी लड़की के शांति के लिए, हाँ न्याय के लिए, हाँ सब लोग बोल रहे हैं। क्या सजा चाहेंगे अपराधी को? मैं फांसी की सजा चाहूंगी, जिस तरीके मैं योगी आदित्यनाथ से मैं यही गुहार लगाती हूँ, खेसरी योगी आदित्यनाथ, मेरी लड़की न्याय दिलाएं, और समर सिंह संजय सिंह को फांसी की सजा सुनाया जाए। ये एक माँ की, माँ की दर्द आप लोग सुन रहे थे। अब किस तरह से पवन सिंह की आखिरी बात बोले, पवन सिंह क्या बोले थे आखिरी बात, आखिरी में क्या बात? मुझे
तो मैं आपके साथ, मैं आपका बेटा हूँ आकांक्षा दुबे, अगर गई हैं तो अपने को अकेला मत महसूस कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे भी अपना ही बेटा मान के चलिए। कौन सी आखिरी बार एल्बम किए थे आकांक्षा जोरे क्या बोले आरा के हरा? हाँ वही बोले कि आरा का भी इतना खुश थी, फोटो पोस्ट करी उन्होंने, इतनी खुशी की इतना पता नहीं था कि भैया उसके साथ में ऐसा होगा। कहीं ना कहीं आपका, आपने चर्चा किया था कि समर सिंह चाहता था कि किसी के साथ आकांक्षा काम ना। हाँ। जब पवन सिंह के साथ काम की और जिस दिन एल्बम रिलीज होता है एक घटना हाँ। अंजाम दिया जाता है। हाँ। अच्छा, आपने पवन सिंह से किया कि नहीं? हाँ मैंने बोला कि मैं वो बोलता था, मैंने तो ये बोला वो मैं अभी भी बोला कि मेरी रानी के साथ में वो बोलता था ताकि ये किसी के साथ में काम ना करे, किसी के साथ में काम ना करे, मेरे साथ करी काम, उसको ये लगा कि ये तो इसको खत्म, वही बोल वही बात हुई। वो लोग क्या बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ ना, तो वही बात हुई। चलिए, पूरा पैसा है, 3 साल से काम कर रही, एक पैसा नहीं दिया है समर सिंह ने, अभी बहुत पैसा है उसके पास। एक दिन में आपने 3 करोड़ के आसपास आपने बताया, मैंने अंदाजन बताया था, वो मुझे देखो मुझे नहीं पता कि मेरी लड़की कितना फिल्म का लेती थी, क्या था, मुझे ये सब नहीं, मैं ऐसा ना एक भी पैसा नहीं दिया है ना फिल्म का, अब सबसे ज्यादा उसी के साथ में काम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हाँ, टॉर्चर करता था पैसे के लिए, बोलता है आजकल ठीक है। देखिए आकांक्षा दुबे के माँ का दर्द आप लोग सुन रहे थे, ये सबसे बड़ी खबर, यानी अभी अभी पवन सिंह पहुँचे थे उनके आवास पर, और क्या बातचीत हुआ पवन सिंह के जो पहुंचने के बाद, यानी आकांक्षा दुबे के माँ लगातार अपने बयान दे रही है मीडिया पे, सिर्फ आरती न्यूज पर। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि क्या आकांक्षा दुबे के माँ आज बयान दी है, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर आप सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव। हो गया है, चलो। देखिए आकांक्षा दुबे के माँ के सुरक्षा बल दो दो गार्ड मिला है जिला प्रशासन के द्वारा। आप लोग सीधा तौर पर आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से, यानी दो गार्ड मिला है जिला प्रशासन के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया।